किसान बेटी या 14 साल की बच्ची के ऊपर मुसीबत आ जाए तो क्या गुजरती है उनके दिलों पे। उनके वालिद बैठे अली साहब, ये रही FIR जो कटवाए हुए, आज इनको 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं। गली के अंदर 5 से 6 कैमरे लगे हुए, 5 से 6 कैमरे लगे हुए, लेकिन कोई उन कैमरों की रिकॉर्डिंग ही नहीं ले पा रहा। और ये FIR का नंबर 159/2022। क्या हुआ बताएं सर लोगों से? सर मेरी बेटी 14 साल की है, गली में नीचे मेरे घर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे गेट पे वो कूड़ा रखने के लिए आई, 3 लिफाफे से कचरे थे, 2 उसने रखे हैं और वो उसके बाद घर वापस नहीं आई। मेरी अपील है पूरी कौम से, मेरी बेटी मुझे जिंदा चाहिए। मैंने सर माजरत, आप बता दें बहन, क्या चाहते वजीर आला साहब से, वजीर आलम साहब से, आईजी साहब आपसे? मैं गुजारिश है कि मेरी बेटी को ढूंढे हैं, मुराद अली शाह साहब आप मेरी बेटी को ढूंढे। आपकी भी बहन बेटियां घर में होंगी, आप समझ सकती हो एक माँ बाप का दुख क्या होता है। 3 दिन हो गए मेरी बेटी घर में नहीं, घर के बाहर कचरा रखने गई थी, वो आप 2 छोपर रखा है, किसी छोपर के लिए वो घर पहुँची नहीं है। और हमारी मदद करें सब, शिबाजी साहब आपसे भी अपील है कि आप जो नहीं आप मदद करें हमारी। और मुरादी साहब आप भी बताएं, आपकी बहन बताओ, हमारी जरा वापस आई, हमारी मदद करा, वापस आई, वापस जिंदा सुना चाहिए, हमें 3 दिन हो गए तक में आई वापस। लोग अपने घरों में 70वीं सहरी कर रहे होंगे, यकीन जा रहे हैं इनके घर में कयामत का मंजर है। जवान बेटी घर के बाहर से उठा के ले गए कोई, ये FIR कटवाई है उन्होंने, से FIR के मुताबिक इनकी जवान बेटी कोई ले गया है और इनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं अभी तक, कोई की कोई बात हुई नहीं, कुछ भी नहीं अभी, मामू पहुंच गए कोई सी बात सर, कुछ भी नहीं है, सब न्यू फेक न्यूज चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, कोई पुलिस के पास अभी तक कोई क्लेम नहीं है। जी बिल्कुल रास्ते में है वो, पुलिस नहीं पुलिस लेकिन वो कस्टडी का क्लेम जो आया था वो थाने ने रोल बैक कर लिया, उन्होंने कहा हमने तो बोला ही नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि दोनों पुलिस रास्ते में है, क्योंकि सिंध की पुलिस अलग है, वो अलग है, इन्होंने उनसे ही पूछना है। वो आगे से क्लेम नहीं कर रहे कि अभी तक बच्ची मिली है या नहीं, ठीक है। अगर कुछ भी अपडेट्स आती है मैं आपको, कुछ भी नहीं सर, कोई रास्ता नहीं, किसी का कोई रास्ता नहीं। शैला रजा आई थी उन्होंने जी, वो आई थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उन्होंने भी कहा कि ये अभी तक कन्फर्म नहीं है, ठीक है, जब तक कन्फर्म नहीं हो सकता इसे बोला नहीं। मुझे मारता था जिससे मैं राजी नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी, मेरे घर वाले मेरी, मेरा नाम गर्दरा काजी है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं जही अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई और अपनी मर्जी से मैंने निकाह किया है, गोद मैरिज। इधर तो देखो बच्चा पाए, और 4 रहते हैं, ठीक है, ओके ओके, बहुत कोक 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 ले आए, स्माइल स्माइल ऊपर ना, चलो लगा लो, कुछ नहीं होता, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, शाम नहीं करवाएंगे।
चलो हैप्पी बर्थडे करके इसको बोंग मारो। चलो अब काटो इसके मुंह पे नहीं लगाया, इसके दोस्त क्लास में इसके मुंह पे लगा रहे। उनको आईने पाकिस्तान जो है वो बच्चा कहता है और बच्चे की डेफिनेशन ये है जिसकी अपनी कोई वेल ना हो। बच्चे की तारीफ ये है कि जिसकी अपनी मर्जी ना हो। और उनके वालदेन के कागजात जो है, उनकी शादी का नामा, उनके पास जो भी कार्ड थे, उन बच्चों का, उन लड़कियों का बेस सर्टिफिकेट, वे फॉर्म, और इसके अलावा वैक्सीनेशन से लेकर हर टीचर उनकी उम्र जो है वो कहीं भी 18 साल नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बच्चियाँ जितनी छोटी हैं ये अंगेली अकेली ये नहीं जा सकती, लाहौर कहीं नहीं जा सकती, मैं भी नहीं जा सकती हूँ जब तक कि मुझे अरेंज ना करके दिया जाए। तो मैं इसको अफवाह ही कहती हूँ, इसको वरगलाना ही कहती हूँ, इसको बहलाना फुसलाना ही कहती हूँ। दूसरी बात ये है कि चाहे फेडरल सेक्रेटरी हो, चाहे वहाँ पे हो आईजी साहब, मैं उनपे नहीं कह रही हूँ, लेकिन यकीनन ये एक माइंड सेट की भी लड़ाई हो रही है कि कोई ऐसा मौजूद है इनके पीछे, इस माली के पीछे जो दुआ का अपने आप को शौहर डिक्लेयर कर रहा है, उस नायब कासिद औरत के पीछे कि जो इनकी बहुत बड़ी, बहुत बड़े पैमाने पे मदद कर रहा है। तो ये अगवाही है कि वो बच्चियाँ, जो कि एक बच्ची है जिसको उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि उसके विजन भी उसका इतना शार्प नहीं है और वो कैसे चली गई, तो ये उसके पीछे ये साबित कर रही है उसकी मूवमेंट कि इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म गिरोह है। आप पुलिस गई हुई थी, अभी भी दावा कर रहे हैं, आपको लगता है कि पुलिस वहाँ होगी? क्योंकि रिपोर्ट तो पेश की जाती है वहाँ कोई साथ नहीं है, आप भी साथ नहीं है, तो आपको वहाँ से भी इत्तला मिल रही है कि लाहौर में या किसी में किसी जगह पुलिस मौजूद है? जैसे पुलिस इसलिए कि परसों ये वहाँ पे जो हियरिंग हुई थी वहाँ पे ये मौजूद थे, ठीक है, कल भी थे, कल भी मेरी इनसे बात हुई, ठीक है। केपीके के अंदर अब मैं उस चीज़ को, तो ये कोर्ट के अंदर एविडेंस देंगे, मतलब अब उस बात की कोई बदात या निशान नहीं, मेरे पास नहीं है, कश्मीर गए थे ये लोग, मेरे पास नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि जज साहब ने इसीलिए इनसे जो रिपोर्ट मंगवाई है वो इसीलिए मंगवाई है कि जो आपने किया है वो बताएं। किसी और तरह से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई आपके लिए अच्छी खबर? नहीं, मेरे पास बिल्कुल। घर जाना आपके घर जाना कब है?
आज लग रहा था कि वो वालदेन से मिल के खुश है, आपको ऐसा लग रहा था? बिल्कुल, मेरे सीने से लग के रोई है यार। इस पे पूरी कल जो भी खबर होगी हम आप नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त जो मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड तश्कील दिया गया था तो उसके मुताबिक जो है इसे ये बताया गया कि 16 से 17 साल है। अब इस पे जो है वो वकील से भी बात करेंगे, वकील जो है वो उस पे क्या कहते हैं। दूसरी जानिब दुआ और निमरा के केसेस में जो देखा जा रहा है कि क्या उसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है जो सरकारी जो जो सरकारी सरकार की जानिब से जो ये दिए जा रहे हैं जो मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पे जो वालदेन के क्या तहफ़ुज़ात हैं, इस पे क्या वालिद कहते हैं, उस पे भी हम कल बात करेंगे। तो ये बस आप कल अपडेट रहिएगा कि हम आपको मुकम्मल जो है इस पेज से मुकम्मल जो भी न्यूज़ होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये इस वक्त खबर ये थी, तो खबर ये आप नाज़रीन तक शेयर करनी थी कि 16 से 17 साल उम्र बताई जा रही है।